हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी जरूर बताइएगा। तो बाहर हमारे एक चाकू तेज करने वाला आया हुआ है। नाक निकली थी तब तक एक चाकू तेज करने वाला आ गया। तो मेरे पास 3-4 चाकू है, एक मिल नहीं रहा है। तो 2 तो बीबू से भेज दिया मैंने कि उसको दे दो तेज करते, एक मैं लेके जा रही हूँ, एक नहीं मिला तो उसको। तो फिर चलिए आइए, देखते हैं कैसे तेज करवा लेते हैं। पैसा तो ले आने ही भूल गई हूँ, क्या लेगा। चलो आके एक ही मिला, एक नहीं मिला मुझे। ये तो रहा। खाना बना रहे, सब्जी गैस पे है, सब्जी गैस पे है, क्या करे, ताला नहीं खुला। तो फेंक दूँ लगे ना। वही कह रहे हैं, मैं क्या करूं। आ? 130 नफीस नाम बोलते हैं, नफीस। चाकू मेरी तेज कर रहे हैं। तीनों हो गई, खूब तेज कर दिए हो ना, खूब तेज कर दिया। देख लो हाथ मछली लगाओ, ये वाला जरूरी, ये वाला ना बेकार हो गया। देख लो ना, तेज कर दी ना सबको, सब। ओ भाई, देखना हाथ मत लगाना, पता चला कट जाए। तेज हो गया ना तीनों, चलो बढ़िया। 100 रुपया लो ना फीस, सुनो ले भाई 100 रुपया। बटर भाई ध्यान से हाथ लगा दे, सही बात है, तेज हो गया एकदम। नारियल का चाकू है, नारियल काटने कितना बड़ा। कैच करो, रख क्या, अरे है बदमाशी नहीं, अभी लग जाए। ज्यादा बदमाशी पड़ने लग गए। जाओ 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 जाओ, कुकर सीटी दे दिया मेरा, जाओ मैं बंद करूं। तिब्बती मार्केट में आई हुई हूँ। देखो यहाँ पे पता नहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा इस बार, कोई ऐसा नहीं है अच्छा, पहले जैसा नहीं रह गया है। ये हमें राजस्थानी और सारे ये सब ज्यादा दिख रहे हैं। जो चीज मैं लेने आई हूँ वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो चलिए मैं देख लेती हूँ फिर। बीबू का मेन तो स्वेटर लेना है, क्योंकि हमें चलना है कहीं पे, यात्रा पे जाना है, तो बीबू का स्वेटर लेना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन वूलन देखना होगा, वूलन जहाँ दिखेगा फिर देंगे। एक ये सूट है ब्लू कलर का है इसका, अभी खोला था इन्होंने, मैं ध्यान नहीं दिया, दिखा दूं। खोलो, हाँ हाँ एक बार दिखा दीजिए। कुर्ता है इसका, इसके साथ में सलवार भी है, 1000 रुपए का, 1050 बता रहा हूँ। हाँ यही 3 कलर ही है, वही कुल मिला के। अच्छा
कलर थे ग्रीन वाला और इसके अलावा ये ब्लू वाले, दोनों अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन और देख लेती हूँ मैं, नहीं तो फिर ये ओवरकोट तो है यहाँ पे, ये देखो ग्रीन रेड कई कलर के हैं, तो ये बटन वाले ही है, ऐसे ही नहीं है सीधा पहनने वाले, इनके आपके पास है दिखा दीजिए, फुल स्लीव अच्छा, साड़ी पे पहनने के लिए चाहिए मुझे, हाँ हाँ ठीक है, रेड ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट ही, रेड रेड भी नहीं। ए करण तेरे पास मैरून कलर है, इसमें मैरून कलर है, रेड नहीं है, ना रेड है ना ब्लैक है, आपके ये ओवरकोट कितने के हैं, ये अलग अलग प्राइस है मैम, 2500 2250, जैसे ये वाला है, इनमें कलर और भी है, बस लाइट कलर ही है, डार्क कलर में नहीं है, इस तरह के उसमें जिसमें कॉलर खुला हो, यहाँ से बंद नहीं हो, ये भी खुली है मैम, अच्छा एक बार दिखा दीजिए, हाँ एक बार देख लें, इनके बटन वगैरह तो ऐसे लग रहे हैं कि 2350, ये सेम चीज, ये भी है, ये भी सेम ही नहीं है, इस पे वेलवेट जैसा है, ये वेलवेट नहीं है, है ना, सेकंड कितने के देंगे इसको, इसका एक साइज छोटा मतलब चलेगा क्या, थोड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन साइज सही है मैम आपका, ये हाथ है तो बाहर निकल रहा है, कोई बात नहीं छोटा मिल जाएगा आपको, एक बार पहन के देखें, सेम का एक साइज छोटा दीजिए, हाथ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, या फिर हाथ मोड़ दें तो भले, ये छोटा है इससे, हाँ जी लाइए, एक साइज छोटा है, बराबर ही लग रहा है, नहीं मैम वो डबल एक्सल है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना मैम, बड़ा साइज है छोटा मिल जाएगा, कलर्स मिल जाएंगे आपको, इससे छोटा चाहिए फिर आपको टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा, हाँ जी मैम, ये हल्का सा लग भी रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, फिर इससे भी छोटा साइज आएगा ना तो वो टाइट हो जाएगा आपको ना, अंदर ये जो कपड़े लगते हैं ना बड़ी जल्दी निकलते हैं, बहुत जल्दी है मैम, ब्लेजर में यही आता है, ब्लेजर में आता है यही, उस टाइम पर थोड़ा सा डल डल सा हो जाएगा, बेचने में झूठ क्यों बोलना है ना,
झूठ क्यों बोलना फालतू बेचने के लिए, थोड़े टाइम बाद डल हो जाएगा ये वाला। हाँ ये वाला नहीं होगा, इसको थोड़ा सा वो करके रखना ना, ड्रैगिंग करके। अभी योगा से आई हूँ और सीधा ही देखिए मसाला बनाने में लग गई हूँ, और लौकी में उबाल के गई थी, तो लौकी की दही वाली लौकी बनाऊंगी। मसाला मैंने पका लिया है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। सब वही अदरक लहसुन मिर्च प्याज टमाटर वो सब्जी है। ये देखो मसाला मेरा तैयार हो गया है, अभी इसमें दही डालना है बाकी, और लौकी जो है उबाल दिया है, अब इसको मैं बना लेती हूँ। और इधर जो है ये लो हल्दी, मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है हल्दी को, और ये हरी मिर्च और लहसुन, लहसुन कूटना है बस। इसकी कच्ची हल्दी की भी सब्जी बनाने चल रही हूँ, इसको भी अभी बनाऊंगी, पहले लौकी बना लेते हैं। किचन में सीधा ये सब्जी बना लेती हूँ। अब तेल देखिए एकदम किनारे आने लग गया अच्छे से, अब हम लौकी को डाल देते हैं। अब लौकी को तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि तेल एकदम से ऊपर नहीं आ जाए। वैसे इस लौकी को घी में, अगर देसी घी में बनाया जाए तो ज़्यादा स्वाद आता है, लेकिन मैंने तेल में ही बनाया है। तेल में भी अच्छा लगता है लेकिन देसी घी में कुछ अलग ही टेस्ट होता है। मैंने ढक ढक के 2 से 3 बार इसको चला लिया है, अब देखिए तेल ऊपर आ गया है, लेकिन एक बार और चला के इसको एक बार और ढकेंगे, उसके बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी सब्जी। इसको थोड़ा सा खूब अच्छे से मिला के सब्जी बन गई है बिल्कुल, देखिए एकदम से ऑयल एकदम ऊपर आ गया, दही की लौकी बन के तैयार है। धनिया पत्ती अभी नहीं डालूंगी, कच्ची हल्दी की सब्जी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो शेयर नहीं करूँगी, फटाफट बस बनाऊंगी क्योंकि मुझे निकलना भी है गुड्डा को लेने के लिए। अभी रात हो गई है, 8 बजे कोचिंग से लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं फटाफट बना के निकलती हूँ। वीडियो शूट करने लग जाते हैं तो बहुत टाइम जाता है, तो चलिए फिर मिलते हम लोग बाद में। चलो बदमाशी न करो, आओ हम शनि धाम आ गए हैं, हम लोग शनि मंदिर आए हैं अभी। कहाँ पहले ही फोन दिया, हम मैं दर्शन कर लेती हूँ फिर मिलते हैं। आ गए यहाँ पे पंडित जी जो है, दर्शन कर लिया हम लोगों ने, दर्शन करने के बाद में काला धागा बांधते हैं, तो मैंने कहा बच्चों को भी बांध दीजिए, मुझे भी, और झाड़ा भी लगाते हैं ये ऐसे नज़र का, तो काला धागा बांध देते हैं नज़र न लगे। तो ये देखिए मैंने कहा लो बांध दो सबको, हमें भी। तो यहाँ पे मेरा भी धागा बंध गया, और हमने तो आप सोचा कि आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ जाते जाते। तो ये लीजिए भगवान भोलेनाथ दर्शन, इधर दूसरी तरफ हनुमान जी हैं, यहाँ शनि महाराज हैं। शनि जी के दर्शन करने कभी कभी शनिवार को हम लोग आते हैं यहाँ पे। गंदगी है मत कर, गिर जाएगी।
चल गई तो देखो गाड़ी चल गई एकदम टायर के पास। मैं तुम्हें गिरा दूंगी। अभी घर आई हूँ, अब बच्चों को खाना दे दिया, रोटी बना दिया, दोनों लोग खा रहे हैं। अब मैं चल रही हूँ चेंज करने, नए सूट में आ जाऊँ, और अब सोने की बारी है, चल रही हूँ सोने क्योंकि नींद भी आ रही है। तो लेते हैं आज यहीं पे विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।